अंदर कमरे में ना वो जेले में मुँह की औरत बैठी, आधा मुँह ठीक है आधा मुँह जला हुआ, इतना खौफ आया करता सिर्फ दानी की था मेरे पास। और वो निकल गई यूँ, थोड़ी दूर गई है वो, पता नहीं मैं अपने ध्यान में मैं सीधा चला गया उधर। अच्छा, उस लड़के को लिया वापस, फिर आया फिर वहीं खड़ी थी। अच्छा, कौन है तू, कहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रमजीत, मेरे यूट्यूब चैनल वेली कुड़ी में करती हूं आप लोगों को खैर ऑफिस होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। प्यारे दुआओं के साथ करते हैं आज के ब्लॉग का आगाज। तो भाई अल्लाह पाक ने गरीबों की सुन ही ली, जिनके पास एसी नहीं है, रूम कूलर्स नहीं है, मतलब कि सोलर वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, हवा चल गई अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक रात होती है जिसमें हम सुकून की लंबी नींद सो सकें, अगर हम रात को 2-3 घंटे भी सो जाएंगे ना सुकून से तो हम बिल्कुल फ्रेश हो जाते हैं। अगर रात को ही ना नींद आएगी तो फिर सुबह तो हमने ऑटोमेटिकली है कि ना मेंटली डिस्टर्ब ही रहेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे ही है ना। तो भाई अल्लाह पाक अपना फजल करम रखे, अब गर्मी तो है ही है, अपना असर तो दिखाएगी अल्लाह पाक के बनाए हुए मौसम में। खैर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, ठीक है पापा। वालेकुम सलाम। अल्लाह ताला आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ देखनी नसीब फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला आपको किसी किस्म की दुख परेशानी बीमारी कुछ भी ना दे, अल्लाह ताला आमीन। आपको सदा सलामत रखे, खुश रखे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, भाइयों, बेटियों, बेटों, पोतियों, पोतो, दोतियों, दोतों, भांजे, भांजियो, भतीजी, भतीजो, अल्लाह पाक खुश रखे, सदा सलामत रखे, आमीन। सदा सुहागने रहे, अल्लाह मियां बीमारों को शफा दे दे, अल्लाह पाक कर्जदारों को कर्ज से रिहाई दे, आमीन। अल्लाह पाक भी औलादों को औलाद दे दे, या अल्लाह पाक हमारे घर में भी खुशियाँ दे दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, किद्दां गांजू? ऑन द वे होम। किद्दां गांजू हुण मुड़? अब सही है, कल सौदा मुरझा आया पे आसी, पानी डाल के अब तबीयत बेहतर फील हो रही है आपको, है ना? आपका मुंह भी काफी बड़ा हो गया मेरे जितना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे उम्मीद करते हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह भैया, मेरी आई बहुत मजा आ रही है यहाँ पे। कत्था है, चूना है, छालिया है, जोंफ है, लौंग है, वाह मुझे खा ली, पूरा गरम मसाले की मंडी खोल दी आपने, बहुत मजा आ रही है। शाम सलाम कार से मुड़। क्या क्या देखा? हाँ मैंने सब्जियाँ देखी है इस रोड पे। बात ये है कि मैं महसूस तो होता, लेकिन रोड में कोई ऐसी वैसी चीज देखती हो? कैसी वैसी चौकीदार ना कह रहा था इसको, हाँ कलमा वगैरह भी पढ़ा था, जेडी ना कहंदा गुलाबी सूट पाके गले च दुपट्टा भी नहीं पाया हुंदा, ते कहंदा इत्थों आंदी स्टेशन वल्लों ते इत्थों जांदी नजर आंदी वापस आंदी नजर ही नहीं। ओ भट्टो गुसरा है अम्मी, उसने गुलाबी सूट पहना होता है, चल झूठा। रात के टाइम ये चाय वाले होटल पे ना, ये गुलाबी सूट तो उसने भी पहना हुआ है। किसने? मेरी बात सुन, उसे नहीं पता के खुसरा क्या और औरत क्या, हम बड़ा उम्र का बंदा है वो बेचारा बाबा बुजुर्ग हो गए, वो चाय ले गए ना यहाँ से 20 नहीं वैसे, वैसे जो पहला था ना वॉचमैन यहाँ का, हाँ। वो रात को ना अल्लाह का विर्द करता रहता था, क्योंकि चीजें नजर आ जाती खास करके जानवर को ज्यादा, ये जैसे अपने घोड़ा हो गया, घोड़ा बिजली नजर आ जाती है, और वो कुछ ना कुछ विद करता रहता था, बहुत हाँ से बात से पढ़ता था, वो कहता नहीं होती है ये चीजें, मानते नहीं ये लोग, मजाक में रखते, तुम लोग जो कुछ बुरा लगाते जाते ना बाहर रात के टाइम ना जाया, तो इतनी सड़ांत हो जाती है गर्मी थोड़ी की बात हो रहा था, देर तक हुई जो इनपे ज्यादा ये चीजें हो जाती है, अतर नहीं लगाता अभी मैं। अच्छा खुशबू आने से मतलब कि चुड़ैला तो आशिक होना, जूतियां उतार के लोग जरूर मार देंगे अच्छी खासी टिका टिका के। अच्छा हवेली में नहीं लगा नहीं, ये जो लाइनों के पास है ना ये सिग्नल यहाँ पर वाकई है। अच्छा पापा, के मैं ना जब शादी भी नहीं हुई थी, स्कूल में पढ़ते थे जब आप पापा होते थे, हाँ जी, तो सुबह का टाइम है ना हम वेट लिफ्टिंग के लिए जाया करते थे, अजानों से पहले ही उड़ जाते थे और जाके ना वेट लिफ्टिंग करके आते थे। अब उस दिन रात को अल्लाह जाने किसी मस्जिद में नाथानी हो गए या क्या होगा, मैं समझा अजान होगी,
अच्छा। मैं सुबह उठा हुआ ऐसे सर्दियों के दिन थे, कंबल दिया, मुंह में मुसवाक रखी और सीधा निकल गया। अच्छा। तो मैं रोड पे देख रहा हूँ क्योंकि उस टाइम रोड पे है ना ये खाक रूप जो सफाई करने वाले ये आसानों से पहले आ जाते थे। अच्छा। ना वो नजर आया। जब मैं फाटक पे पहुंचा ना रेलवे लाइन पे तो वहां पर गुलाबी कपड़ों में एक औरत वो अच्छा। भी यही कह रहा गुलाबी। अच्छा, वो मैंने गौर नहीं किया क्योंकि मेरा ध्यान ही नहीं था। कह रहे जी ये स्टेशन किधर है, ये किधर है और यूं है वो है। मैं कहा वो सामने तेरे को स्टेशन तेरू नजर नहीं आंदा थे नहीं। मैं कहा सामने है। अच्छा आप मेरे साथ चलो। मैं कहा जा काम कर मैं जाना है। अच्छा। उसमें कह के और वो निकल गई यूं थोड़ी दूर गई है वो पता नहीं। मैं अपने ध्यान में मैं सीधा चला गया उधर। अच्छा। उस लड़के को लिया वापस फिर आया फिर वहीं खड़ी थी। अच्छा। उधर चली गई है। अच्छा। तो टाइम क्या था? वहीं पर मौजूद। रात का टाइम था से भी पहले का टाइम था। हाँ वाह। तो सवाल वो उसने उस लड़के को घुमा दिया पकड़ के फिर भी तो वो फिर भी अपने वहीं पर मौजूद था। हमने फिर उसे कहा मैं जा। अच्छा स्टेशन वाले को अपने फाटक वाले को जगाया ना तो वो समझ गया। अच्छा। जाओ जाओ अपना काम करो। हाँ। अब्बा ने भी तो आपको डांटा था। बड़े बंदे को समझ होती है ना लाओ बालियों को नहीं पता लगता। जहाँ तक तीन सिग्नल है वहाँ तक नजर आई। उससे आगे नहीं अंधेरा था। हमने कहा अपने जा रही हूँ। अच्छा पापा ना कहते चले आए मैं आपको रास्ता आगे बता देता हूँ तो पापा साथ साथ ही टूट पड़े उनके है ना राजा जी है ना। नहीं 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 साथ नहीं गया मैं। बता रहे थे अब्बा भाई मैंने साथ गया ही नहीं। यानी कि रास्ता बताया ना। हाँ रास्ता बताया मैं के पास। पापा समझे सच की लड़ी है। हो सकती है गुलाबी कपड़ों वाली। अब वो पट्टो घुस रही उस टाइम खाओ माँ कसम। अरे टाइम तक ये भी चल रही है वो इन्होंने नहीं मानी। मैंने ये गैर मरे मखलूक वो है गैर मरे। हाँ इसमें कोई वो दो राय नहीं है क्योंकि ये है। लेकिन कब किस टाइम मालिक जानता है वो याद नहीं। पिंडी में जब ये मेरे जुनेद होने वाला था। हाँ। तो जब मैं बेबी उनके मकान में हालांकि साथ मस्जिद थी साथ बिल्कुल मस्जिद घर के और ना मेरी तबीयत जैसे खराब होनी मैं लेटी हुई। ये मुझे छोड़ के ना पोस्ट का काम करते थे चले गए। अब चलो बंद टेप तो चलती भी टेप ये बंद टेप तो चलो बंदा चलाएगा तो चल जाएगी। कैसेट में देख रही खुद खत्म हुई और यूं पलट के कैसेट दोबारा लगी। मैं कहा शायद मेरा वहम होगा। कानस पे गिलास रखा ऊपर नीचे मैं कहा शायद चक्कर आ रहे हैं मुझे चक्कर आ रहे हैं। जब गिलास गिरा ना धड़ाम करके नीचे मतलब मारी चीख नीचे कमरे में। मैं देखती नहीं कि 3 बजे चले जाते कोश की दुकान पे ना काम करने चले जाया करते। रात को 3 बजे मुझे ऐसा लगता जैसे अंदर कमरे में ना वो जले हुए मुँह की औरत बैठी आता मुँह ठीक है आता मुँह जला हुआ इतना खौफ आया करता। सिर्फ दानिश था मेरे पास ये मानते नहीं। इनको फिर किसी और ने बताया उसी घर में भी कोई कह रहे हिंदू मरे होंगे पुराने जमाने के मकान थे हिंदू चले गए मुसलमान आ गए इस तरफ क्या पता किसी की रूह रह गई हो या क्या। लेकिन मानते नहीं आजकल के कोई नहीं मानते। मैं तुम लोगों को भी यही समझाती हूँ मुझे भी यही समझाती हूँ ऐसा वैसा टाइम ना ऊपर ना जाया कर क्योंकि आस पास तो कोई है नहीं। ये सारे मकान पुराने हिंदुओं के जमाने के हैं। ये इसके साथ नहीं अपने मगरब की अजान के टाइम। हाँ। क्या हाल हो जाता था इतना बुरा हाल होता यूं यूं आंखें करके करती हाथ पैर यूं हो जाया करते। ये मगरिब के टाइम कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता होता है मतलब मैं एग्रेसिव हो जाती हूँ मगरिब के टाइम पे मेरा अभी भी डॉगी स्लिप हो जाता है मगरिब के टाइम। चुप कर गंजू मजाक नहीं करी कसम से हो जाता है। लड़के मानते नहीं है मेरी मजाक उड़ाते समझा करो इस चीज को मजाक नहीं है बात सीरियस है। गर्मी के मौसम में परफ्यूम के बगैर तो जा नहीं सकते। अरे भाई परफ्यूम कौन लगा दो दिनेश भाई आप ऐसा करें सुबह ना परफ्यूम वगैरह कुछ नहीं लगा के जाना जैसे आप ऐसे टूर जाना कस्टमर जो चप्पल जो आप उन्हें पहनाएंगे वो आपके सर में मार के जाएंगे। बता दो ना आगे भी ना जाए गर्मी करके ना मेरे पट्टों में दर्द होने लग जाता बहुत तरह से मेरे कंधे। मैं तो बात हूं मामा पट्टे से खींचने लगा। मैं तो बात हूं मैं इंसान हूं तू अपना भाई उनको करके मैं तो बात देती हूं। हां मेरे को चलो चलो हां जिनेश भाई कंटिन्यू करते हैं वीडियो। मैं आ रहा मामा के पट्टे दबा देने के लोग पूरा कर लो मुझे तमीज है व्लॉगिंग की। क्यों व्लॉग अबू है व्लॉग अबू है मुझे तमीज नहीं की व्लॉग की।
अम्मी तो मैं तो समझाती हूँ, ना समझना चाहिए मेरी बात को। अम्मी हीरा का कुत्ता क्यों स्लिप होने लग गया? पता नहीं क्यों मगरिब के टाइम ही इसी तरह ही करती। मैं तो कह रही थी ना बाबा जोगी से, चलिए मैं जाऊंगा बाबा जोगी के पास। देखिए हाथ बारी बारी है, चल बहुत बदनी बदनी आ रही हूं। क्या हो गया? तो इस तरह तो भाई बदनी बदनी बाबा जोगी, चली ना जाऊं मैं, नहीं फपड़ो पे यकीन कर। अरे भाई बहुत बारी बारी हाथ लगा रही, बहुत तू आ जा रहने दे। तब आ रही हो कि नहीं? अब डरा ना, यूं ना कर, चाहे तो माने दे तू। अरे चल आराम से, तो भाई प्यार मोहब्बत से। कितनी जोर जोर से दबा रही है लड़की, दबा रही है नहीं? उई, ए, ये क्या हो गया अभी? तुम अभी आदमी देखियो, उई, ओ, पहले दफा हो चल। ये क्या हो गया? बहन डर गई, बहन डर गई। अम्मी इधर को आ जाओ, इधर को आ जाओ आप। अम्मी इधर को आ जाओ आप, इधर आ जाओ। मारो ये इसे मारो। नहीं 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 नहीं, मारो इसे। कौन है ये? कौन है तू? कहाँ से? अबे हीरा है ये, हीरा से क्या हो गया? वे वे ये क्या हो गया? अब देख तू अब दे, अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। अरे हीरा है ये, अम्मी हीरा है, हीरा ये। अच्छा अच्छा अच्छा, परे निकले यहाँ से, चल भागे यहाँ से, चल चल भाग। साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले। ये कहीं पे होगी? अब ये पकड़ खुद, व्लॉग संभाल। इतनी सीरियस हो गई भाई, इतनी ज्यादा सीरियस हो गई बन जाती ना कि राशि मुझे तो मेरे पीछे बैठा हुआ। राशि क्या सत्यानाशी दिमाग, कितना भयंकर मुंह लग रहा तोबा। सॉरी क्या कहते हैं, क्या ब्यूटीशियन? भूल गई मैं, एक मिनट ठहरो। भाग गए ये लो, मम्मा चुन्नी शुन्नी सारा कुछ उतार के फेंक जा नहीं होगी? कर सकती हूँ ड्रामा वगैरह, सीरियल्स वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल कर सकती हैं आप। कैसी लग रही व्यूअर्स? मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। आ तू, ये है इसकी हकीकत है, ये सच्चाई है। अभी सच्चाई है? हाँ जी यही सच्चाई है। ये इसकी होगी?
इसकी नहीं लगती भाई। आप सदियों पुरानी बातें लेके बैठ गई, यूं हो गया, यूं हो गया, यूं हो गया। आपको पता कि सारी रात में वॉशरूम के चक्कर काटती रहती हूँ, इस टाइम आप ऐसी बातें लेके बैठ गई। चक्कर काटेगा तो ऐसी मनुष्य शक्ल ना बनाएगा, ऐसी बनाकर बैठी बीमारी पड़नी है गंदी शक्ल की। अरे मोया पुनका लगा के लगाना जरा सीरियल लगाना। नहीं तो आपको पता नहीं मैं सारी सुनाई जा रही हो है। इसने मेरा किस्सा मेरे पे, मैं तो लड़के को डरा रही थी कि बाहर नहीं जाएगा, मुझे थोड़ी पता था कि मेरे पे गेम पुट्ठी पड़ जाएगी। भाई किसी और को कुछ नहीं हुआ, आपने मेरा झूंडा ना उछल के पकड़ के है। बंदा अपने ध्यान में बैठा ही देखेगा, एकदम से कलेजा नहीं फटेगा बंदे का। वैसे इधर ऐसी बातों के अंदर ना मजाक नहीं करते, लोटा ला के दियो बहू। पेंट था में अगर कोई ऐसा और कुछ हुआ तो इसी जगह बैठ जंगल पानी के लिए आया है, लोटा ला दे। ऐसी बातें ना सच में हकीकतन बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी बातें नहीं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? हाँ जी शराब पिया कैसे बैठा है? ये आम लोग बैठते ही हैं पिंड का, ऐसे नहीं बैठते थे तो अकबर मेरी बाजू में दर्द होने लग के। नहीं नहीं आपने बच्चे को मारा? कैमरा मेरी तरफ करो, सूजे फूल ले बच्चे को। ऐसी बातें नहीं करते होते मजाक में भी, क्योंकि ये चीजों को जो है ना आप छेजाबाजी करो तो वो आपके साथ मतलब क्या हो जाएगी। अल्लाह रहम करे ना, मैं कोई इधर ना आवे पूरी। अच्छा ये देखो आपने सूजे में काके को मारा, ये देखो गलती हो गई इससे भी गाड़ी से सूजे में काके को मारा आपने। कर दे मैं तेरे पैर। नहीं 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 मजाक नहीं करना इस तरह की चीजों के बारे में। हाँ जी आई एम सो सॉरी। अगर कोई कौन सी मखलूकात पापा? हाँ वही गैर मराई मखलूकात अगर कोई है यहाँ पे मौजूद तो भाई मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ। सॉरी 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 मेरा ऐसा कोई नहीं था। मम्मा हमें डरा, मम्मा मुझे डरा रही थी। पता है कि मैं सारी रात वॉशरूम के चक्कर काटती रहती, पूरे घर में घूमती रहती, मुझे नींद नहीं आती, तो मैं कभी पानी भी कभी ये कर कभी वो कर, तो मुझे डराने की सोच रही थी, तो फिर इसलिए मैंने ऐसा किया। आई एम सो सॉरी सॉरी ठीक है। अच्छा जी व्यूअर्स तो मेरा सर दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है मैं मेडिसिन वगैरह खाती हूँ मुँह शूद होकर, ठीक है रिलैक्स करती हूँ थोड़ा चिल करती हूँ, मौसम भी चिल हो रहा है। तो ठीक है व्यूअर्स आज की मेरी वीडियो आपको पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, हमें बार 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 मिलते रहे। इसके साथ ही मुझे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़।